नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का ये खूबसूरत सा मोजा लाई हूँ, अंगूठे वाला मोजा। इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है और 56 फंदे डाल दिए हैं और 1 2 3 4 5 6 6 लाइन की उल्टी धारियां हैं, यानी 12 लाइन हम उल्टा उल्टा बुने हैं, तो 6 लाइन की उल्टी धारियां आई हैं, 6 लाइन इधर से भी और 6 लाइन इधर से भी। तो 12 लाइन का बॉर्डर बनाने के बाद अब हम अपना दूसरा रंग अटैच कर लेंगे और 4 फंदा सीधा बुनेंगे। फिर पांचवा फंदा उतारेंगे और फिर 3 फंदा सीधा, और चौथा फंदा उतारेंगे फिर 3 फंदा सीधा, और चौथा फंदा उतारेंगे। शुरुआत में हमने 4 फंदा सीधा बुना है, उसके बाद 1 फंदा उतारा है, उसके बाद 3 फंदा सीधा और 1 फंदा उतारते हुए इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। बॉर्डर के बाद ये हमारी फर्स्ट रो है, बॉर्डर के बाद ये दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड बुने हुए फंदे, ये पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और शेष बुने हुए फंदे सीधा बुन लेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और आखिरी फंदा उल्टा बुनेंगे ताकि हमारा ये एज जो है वो एकदम क्लीन आए। और अब थर्ड रो, और अब दूसरे रंग के ऊन से बुनेंगे यानी अपने मेन कलर से, तो 2 फंदा सीधा बुनेंगे और तीसरा फंदा उतार लेंगे। फिर ये उतारा हुआ फंदा है, इसको और इसके दोनों साइड वाले फंदों को, 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे और बुने हुए 3 फंदों में से बीच वाला फंदा स्लिप करेंगे। 3 फंदा सीधा बुना, चौथा फंदा स्लिप किया, फिर 3 फंदा सीधा बुना। ये बुने हुए पिछली बार जो हमने 3 फंदे बुने थे उसके बीच वाले फंदे को स्लिप करना है और जो फंदा स्लिप किया गया था उसको और उसके दोनों साइड वाले फंदों को हमें सीधा बुनना है। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड, पहले फंदे को ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और लास्ट फंदे को हमें उल्टा बुनना है, बाकी स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये एक डिज़ाइन बना है और ये दो डिज़ाइन बन गया है, और इन्हीं चारों लाइनों को दोहराते हुए हमें ऐसे 6 डिज़ाइन बनाने हुए हैं। दो कंप्लीट हो गया है और हमें टोटल 6 बनाना है। तो अब फिर पहले वाले रंग से 4 फंदा सीधा बुनेंगे, यानी इन्हीं चारों लाइनों को दोहराते हुए हमें 6 डिज़ाइन ऐसे कंप्लीट करना है। 6 लाइन कंप्लीट हो गया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखेंगे हम। तो 6 लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम अपने ग्रीन रंग से बनाएंगे, इसी डिजाइन को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा 13वां लाइन है, और इधर के 18 फंदे हम छोड़ देंगे। और इधर के 18 फंदे हम छोड़ के और इधर से ही टर्न ले लेंगे।
और दूसरी साइड के भी 18 फंदे हम छोड़ देंगे, 3 3 6 9 12 15 18, और बाकी फंदे बुन लेंगे। तो हम दोनों साइड के 18 18 फंदे छोड़ लेंगे और बीच के हम 20 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। हमें यहीं से लौट जाना होगा, पहला फंदा पर्ल वाइज डालेंगे, बाकी फंदों को सीधा बुनेंगे और उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 50 लाइन कंप्लीट हो गया है और 25 धारियां बनके तैयार हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये पीले फंदों की 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी हरे फंदे की 13 धारियां और पीले फंदे की 12 धारियां, तो 13 12 25 धारियां तैयार हो गई हैं। ये हमारा जूता 5 और 6 नंबर के लिए बन रहा है। यदि आपको 7 नंबर का बनाना होगा तो ये 30 धारियां होनी चाहिए, यानी हरे रंग की भी 15 धारी और पीले रंग की भी 15 15 धारी, दोनों कलर की 15 15 धारियां होनी चाहिए। तो हमारा ये 25 धारियां कंप्लीट हो गई हैं और अब पीले रंग के उनसे हम सारे फंदे सीधे बुन लेंगे और हरे वाले धागे को भी हम साथ साथ लेते आएंगे। क्योंकि हमें बीच के 10 फंदे छोड़ने हैं। सारे फंदे यानी 20 फंदे पीले रंग के उनसे बुने जा चुके हैं और अब हम एक तीसरा सिलाई लेंगे और यहाँ देखिए साइड में ये दिखाई दे रहा है फंदे, यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। सिलाई डालेंगे, देखिए ये सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, उसमें सिलाई डालेंगे, एक फंदा निकालेंगे, फिर अगले वाले में इसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 19 फंदे उठ गए हैं और अब हम इधर के भी फंदे इसी में बुन लेंगे, किनारे के 18 फंदे भी इसी में बुन लेंगे। पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और बाकी सभी फंदे लास्ट को छोड़ के सारे फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा उल्टा बुनेंगे। और फिर अब इस सिलाई के भी 10 फंदे हम सीधा बुन लेंगे। और इन 10 फंदों को हम छोड़ देंगे क्योंकि अब हमारा ये अंगूठा बन रहा है। अब हम 10 फंदा यहाँ छोड़ दे रहे हैं और इधर से ही हम लौट जाएंगे। तो अगला लाइन हमें हरा बनाना है, सारे फंदे हरे बुन लिए जाएंगे। रॉन्ग साइड से हम पहला फंदा और आखिरी फंदा उल्टा बुनेंगे और शेष बीच के सभी फंदे सीधे। और अब अगला लाइन पीले रंग के उनसे सारे फंदे सीधे और पीछे से पहला और आखिरी फंदा छोड़कर शेष सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे। इस तरह हमारा ये देखिए एक रंग के उनसे 2 लाइन बनाया जा रहा है, तो पीला फिर हरा फिर पीला, ये हमारा ये वाला हिस्सा बन रहा है। देखिए पीला हरा पीला, उसके बाद एक यहाँ डिज़ाइन बन रहा है, फिर पीला हरा पीला, तो हमारा ये वाला पोर्शन बन रहा है। अब ये 6 लाइन यानी 3 धारियाँ बनाने के बाद अगला 6 लाइन में अपना डिज़ाइन बनेगा, यानी हरे रंग के उनसे पहले 4 फंदा सीधा,
फिर एक फंदा उतारेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर एक फंदा उतारेंगे, यानी जो हमारा डिज़ाइन है वो बनना शुरू हो जाएगा। पीछे से उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे। और अब पीले रंग के ऊन से दो फंदा सीधा, नेक्स्ट उतारेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट उतारेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, इसी तरह पूरी लाइन बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से पहला और आखिरी फंदा उल्टा और बीच के सारे फंदे सीधे। और फिर अब हरे रंग के ऊन से चार फंदा सीधा, नेक्स्ट उतारेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, नेक्स्ट उतारेंगे, फिर तीन फंदा सीधा, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से पहला और आखिरी फंदा उल्टा और बीच के सारे फंदे सीधे और उतारा हुआ फंदा उतार लिया जाएगा। पहला और आखिरी फंदा उल्टा बुनने से सिलाई करने में या फंदा उठाने में हमारी ये देखिए एज ऐसे क्लीन आता है और सिलाई करने में या फंदा उठाने में आसानी होती है। और अब पीले रंग के उनसे सारे फंदे सीधे बना लिए जाएंगे, यानी अब इन तीन लाइनों को हमें फिर से दोहराना होगा, पीला हरा पीला। देखिए फ्रेंड्स, फंदा उठाने के बाद से ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये आठवां लाइन है, हरे रंग के उनसे आठवां लाइन है। तो हम इस लाइन में शुरू के चार फंदे घटा देंगे, दो फंदा बुना पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, 1 2 3 और ये 4, और शेष सभी फंदे सीधे बना लेंगे और पीछे से भी सभी फंदे पहला और आखिरी को छोड़कर से सभी फंदे सीधे और पहला और आखिरी उल्टा। अब हरे रंग के ऊन से कोई काम नहीं है तो इसे काट लेंगे और ऐसे बांध लेंगे। पीले रंग के ऊन से ये हमारा सातवां लाइन है, तो पीले रंग के ऊन से तीन धारियां और बनाएंगे, यानी 6 लाइन और बुनेंगे, आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से भी सभी फंदे सीधे पहला और आखिरी को छोड़ के। देखिए फ्रेंड्स, ये 10 लाइन कंप्लीट हो गया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 10वां लाइन, 10 लाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब क्या करेंगे कि 10 फंदे हम शुरू के घटा देंगे, दो बुना एक चढ़ा दिया, एक हुआ, 2 3 4 और ये 10, 10 फंदा चढ़ा दिए। अब ये धागा वापस, ये फंदा इसी पे चढ़ा देंगे और इसको ऐसे ही अब छोड़ देंगे। ये हमारा एक तरफ का देखिए पोर्शन तैयार हो गया है। अब हमको सेम ऐसे ही इधर की तरफ भी बनाना होगा। और अब एक साइड कंप्लीट होने के बाद हम इधर पीला रंग फिर से जोड़ लेंगे और सभी फंदों को, ये 18 फंदे जो हमने छोड़े हुए थे, इन सभी को सीधा बुन लेंगे। अब इन 18 फंदों को बुनने के बाद हमें यहाँ से देखिए ये एज दिखाई दे रहा है, यहाँ से हमें 19 फंदे उठाने होंगे। वही हम ऐसे सिलाई डालेंगे और एक सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 19 फंदे उठ गए हैं, ये 18 फंदे, ये उसके बाद 1 2 3 4 5 7 8 9
18 और एक ये 19, और उसके बाद इन 10 फंदों को हम इसी सिलाई में बुन लेंगे। और पीछे से भी सभी फंदे सीधे बुनेंगे, पहले और आखिरी को छोड़ के। अब हमें इन 3 लाइनों को बनाना है, पीछे से भी सभी फंदे सीधे। देखिए फ्रेंड्स, 3 धारियां ये बन गई और अब हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए हरे रंग के ऊन से 4 फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा सीधा। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और पीछे से स्लिप किए हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुने हुए फंदे पीछे से भी सीधा ही बुनेंगे। अब पीले रंग के ऊन से 2 फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा और अगला फंदा स्लिप करना है, फिर 3 फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा स्लिप करना है। इसी तरह पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमें हरे वाला लाइन फिर से दोहराना है, यानी 4 फंदा हरे रंग के ऊन से सीधा, अगला फंदा उतारना है, फिर 3 फंदा सीधा, फिर नेक्स्ट फंदा उतारना है। इसी तरह पूरी लाइन बनाएंगे और पीछे से बुने हुए फंदे सीधे और उतारे हुए फंदे उतारे जाएंगे, पहला और आखिरी फंदा उल्टा बुना जाएगा। और अब पीले रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे और रॉन्ग साइड से भी पीले रंग के ऊन से सभी फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। और अब फिर ये लाइन बनाया जाएगा, यानी हरे रंग के ऊन से सभी फंदा सीधा। हरे रंग से सीधा बुनते हुए हम दूसरे साइड में आ गए हैं। अब ये हमारा रॉन्ग साइड है और अब हम इस लाइन में 4 फंदे घटा देंगे, सीधा बुनेंगे और पिछला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे, अगला फंदा बुनेंगे सीधा, फिर 2, 3 और ये 4 फंदा घट गया और शेष सभी फंदे अब सीधा बुन देंगे और लास्ट फंदा उल्टा। और हरे रंग के ऊन से अब कोई काम नहीं है तो इसे काट के निकाल देंगे और अब हमको ये 8 लाइन कंप्लीट हो गया है और 2 लाइन और हमको पीले रंग के ऊन से बनाना है, मतलब 2 धारियां और हमको पीले रंग के ऊन से बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, 10 धारियां तैयार हो गई हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 20 लाइन बुना जा चुका है और अब ये 21वां लाइन है और इसमें सभी फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 4 फंदे घटाए थे तो अब की यहाँ पे हम 10 फंदे घटाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदा घटा दिया गया है। और अब दोनों पल्लों को ऐसे यहाँ रखेंगे, फ्रंट वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ रहेगा और फिर इन दोनों को हम आपस में जैसे कंधा जोड़ते हैं वैसे जोड़ लेंगे। एक एक फंदा दोनों सिलाइयों से लिया और ऐसे उल्टा बुन लिया, फिर नेक्स्ट
एक एक फंदा लिया, उल्टा बुन लिया और पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। ऐसे ही करते हुए सारे फंदे हम उतार लेंगे। देखिए ये जुड़ना शुरू हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे उतार लिए गए हैं और हमें यहाँ सिलाई करनी है और यहाँ उंगलियों पे सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, आपका अंगूठे वाला जूता बनके तैयार है। जूता आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप भी अपने लिए इसे बनाइए। इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।